टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में 16 सितंबर को पिछले दो साल से निरंतर जनता के बीच हर तरह का कार्य जैसे सेवा कार्य, सांस्कृतिक कार्य, राष्ट्रीय आयोजन कर रही नमो नमो शंकरा संस्था एक बार पुनः इंदौर को हर क्षेत्र में नंबर वन बनाने के प्रयास को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 71वें जन्म दिवस पर ममता मई माँ द्वारा मोदी जी को मिठाई खिलाते हुए दर्शार्थी एक भव्य रिकॉर्डमय 7100 स्क्वायर फीट की 3D रंगोली बनाने जा रही है। इंदौर शहर के सांसद श्री शंकर लालवानी ने मार्गदर्शन में कार्य कर रही संस्था नमो नमो शंकरा के अध्यक्ष पंकज फतेह चंदानी ने बताया कि 17 सितंबर 2021 को पूरे देश में हमारे देश के पूरे विश्व में हम गौरवान्वित करने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में इंदौर अपने व्यवहार और अपने कार्यों के अनुरूप एक बार पुनः 7100 स्क्वायर फीट 3D रंगोली बनाकर देश में सबसे बड़ी रंगोली बनाने का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इस रंगोली की सबसे मुख्य खासियत यह है कि इस शहर की जनता से मांगे गए सुझावों एवं मोदी जी द्वारा दिए गए उत्कृष्ट कार्यों को समायोजित कर इस भव्य रंगोली के रंगों को संजोया जा रहा है। इस रंगोली को जनता के लिए दर्शनार्थ एवं समर्पित करने का शुभारंभ राज मोहल्ला स्थित खालसा कॉलेज में 17 सितंबर की सुबह सूर्योदय के साथ इंदौर शहर के सांसद शंकर लालवानी एवं अपने फुटपाथ पर अपना जीवन यापन करने वाले राहगीर के द्वारा 71वें जन्म दिवस पर 710 दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस रंगोली को इंदौर शहर की जनता के लिए सुबह से शाम तक देखने की व्यवस्था संस्था द्वारा की गई। 17 कलाकारों ने मिलकर 36 घंटे में 7100 स्क्वायर फीट 3D रंगोली बनाई। कुल कलर 1960 किलो लगे हैं, साथ ही 710 पौधों से इसका डेकोरेशन भी किया गया। मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर वृक्ष भी बांटे गए। वैसे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर पूर्व दिवस पर हमें माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा बहुत सारे शहर को और शहर के आसपास को सौगातें मिल रही है, और उसके अलावा भी पार्टी ने और हमने मिलके अनेकों कार्यक्रम किए हैं। शुरुआत आज ही हो रही है, आज शाम को 56 दुकान पे चाय पे चर्चा और चाय और सेल्फी विद मोदी, वी लव मोदी, क्योंकि युवा वहाँ बहुत आते हैं और जिस प्रकार युवाओं में मोदी के प्रति उत्साह है तो हमारे जो युवा लोग हैं उन्होंने वहाँ लिखा है वी लव मोदी और सेल्फी पॉइंट बनाया है, और जब से लग रहा है तब से सेल्फी लेना शुरू कर दिए, बहुत ही उत्साह है। और ये एक संदेश है कि हम सब मोदी को चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देश में जिस प्रकार का काम किया है वो सब चाहते हैं, वो आगे भी वोट करते रहें, देश को आगे तक ले जाएं। कल सवेरे से कार्यक्रम है, सवेरे सूर्य उदय के साथ ही देश की सबसे बड़ी रंगोली माननीय मोदी जी की 3D में आपको दिखेगी, और 7000 ज़्यादा स्क्वायर फीट की रंगोली बनी है, और संभवतः ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड रहेगा कि इतनी बड़ी रंगोली एक ही स्थान पर बनी हो, वो भी हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद राजवाड़े पर माँ अहिल्या सुशासन के प्रतीक हैं और मोदी जी भी सुशासन के प्रतीक हैं, तो माँ अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा और वहाँ सांस्कृतिक प्रस्तुति भी है। इसके बाद दिव्यांगों के बीच में भोजन है, वो भी भोजन के साथ मोदी जी का जन्मदिन मनाएंगे। वृक्षारोपण है, वृद्धा आश्रम में उनका जन्मदिन मनाएंगे। डायलिसिस जो है, 71 लोगों को डायलिसिस की राशि दी जा रही है। उसके अलावा भी बहुत सारे ट्राईसाइकिल है जो कि प्रीतमलाल दुआ सभागृह में कल 12 बजे देंगे। तो कल दिन भर कार्यक्रम चलने वाले हैं। शाम को सिख समाज ने भी तोपखाना पे कार्यक्रम रखा है। सबसे अच्छा कार्यक्रम आपको दिखेगा 4 बजे बोलियो सरकार की छतरी पर, मोदी जी के उसमें जो बट्टू को साध्वी हैं वो उनकी दीर्घायु के लिए हवन कर रहे हैं और सिख समाज अरदास करेगा। और उसके बाद जो पाकिस्तान से हिंदू हमारे नागरिक विस्थापित होकर आए हैं, 71 हिंदू नागरिकों को नागरिकता भी दी जाएगी कल शाम को। तो सुबह से लेके आज शाम से लेके कल रात तक कार्यक्रम शहर में चलते रहेंगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी।